La prima classe è la modalità di classe. Oggi il topic è il topic of the topic di Mindalita. Il nostro lavoro è il nostro lavoro. 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 Il nostro ये टॉपिक काफी हद तक डिस्कस हो चुका है। एक चीज जो सबसे मेन चीज आती है कि हम किस रूप से दवा को दें, चॉइस कि हम किस रूप से मेडिसिन को डिलीवर करें, उसके कई फैक्टर हैं। किस रूप से हम मेडिसिन को देंगे, इसके जो सबसे पहला फैक्टर इसमें आता है वो क्या है, नेचर ऑफ मेडिसिन का नेचर फैक्टर। दूसरी चीज पेशेंट कंडीशन, कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस, अगर मान लो पेशेंट अनकॉन्शियस उससे आप क्या ऑर्डर दे सकते हो, नहीं अनकॉन्शियस वो इतना कर ही नहीं पाएगा। अगर वो कॉन्शियस है तो फिर सीरियस कंडीशन में है, नॉन सीरियस जैसे कोई मुश्किल आती क्रिटिकल कंडीशन तो वहाँ हमें तुरंत एक्शन चाहिए, क्विक एक्शन। वहाँ ऑर्डर रूप नहीं जाएंगे, ऑर्डर रूप एक्शन आने में आधे घंटे घंटे का समय लग जाएगा, पेशेंट की मतलब डेथ हो जाएगी। तो डिपेंड, पहला फैक्टर कि मेडिसिन का नेचर कैसा है, दूसरी चीज कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस। इफ द पेशेंट इज ब्लाइंड अनकॉन्शियस तो हम प्रिफर करेंगे राइट बाइंड को, बट द पेशेंट इज ब्लाइंड इन कॉन्शियस तो हमें यहाँ लेना होगा ये रिक्वायरमेंट किसकी है, नहीं पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में तो नहीं आ गया है, वहाँ मेडिकल करेंट तो अगर नॉर्मल है तो फिर देखिए वेस्ट वाला बोल रहा हूँ। तीसरी चीज हम ये देखेंगे, एक चीज जो सबसे अक्सर लोग आपको देखते हैं कि बहुत से लोग क्या है कि करेंट पर रूल, करेंट पर रूल, करेंट पर रूल से इन्फेक्शन होने की चांसेस ज्यादा, इसलिए सेफ रूट कौन सा है, कोरल रूट इज सेफ, करंट रूट इज नॉट सेफ। कि आप पास स्किल हो, अगर स्किल पर्सन है तो कोई बात नहीं, अगर अनस्किल पर्सन है तो करंट रूट मे बी बेटर, क्योंकि हो सकता हो इंजेक्शन देते समय यह दबा लग गया, हो सकता है कि जहां जिस साइड पे इंजेक्शन देना चाहिए वहां पर थोड़ा इमोली दिया जाए, नर्व डैमेज हो सकती है, तमाम चीजें। तो ये फैक्टर पेशेंट आपका, अगर मान लीजिए चाइल्ड की स्टेज में है, अगर छोटा बच्चा है तो वहाँ हम क्या लेंगे, वहाँ अगर खाने की जरूरत होगी नहीं तो वहाँ पर क्या है ड्रॉपर सस्पेंशन सॉल्यूशन बाई ड्रॉप, इस तरीके से वहाँ पे हम टेबलेट और कैप्सूल तो नहीं लेते हैं वहाँ, ये है। तो रूम का ब्लड टेस्टिंग में पहला आपने क्या हो गया, मैंने आपको जैसा बताया है इंटर आपका पैरेंटल इनहेलेशन टॉपिकल आर लोकल। इंटरल का मतलब क्या है, इंटरिक मींस कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर हमारी दवा को बॉडी के अंदर पहुंचने का रास्ता गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होकर के जाता है, इट मीन दैट विल बी इंटरल रूट ऑफ। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब कहाँ कहाँ
buccal cavity to anus, from buccal cavity and mouth to anus, buccal cavity to lekar ke anus tak kahin pe agar hum drug ko body ko deliver kar rahe hain to fir kya karenge interruption yani ki agar hum medicine ko jeep ke niche rakh ke wahin se absorb ho ja rahi medicine jaise natural retreat wagera kaisa loop interruption इसमें आ जाएगा सब लिंगुअल अगर आपने मेडिसिन ले लिया ओरल खा लिया इंटरल मेडिसिन को आपने रेक्टम के रास्ते लिया जैसे वेलिस टाइप का सपोजिटरी ले जाते हैं रेक्टम के रास्ते इनेमा वो भी आपका गैस्ट्रिक वो जो भी आपकी मेडिसिन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के रास्ते आपकी बॉडी में डिलीवर हो रही है दैट विल बी इंटरनल क्या कहते हैं इंटरनल रूट का ब्लड एंट्री ठीक अब इंटरनल रूट में आपको आता है ओरल रूट सबलिंगुअल रेक्टल किस रास्ते इंटरनल लूप का ब्रेकिंग खास बात कि जब भी हम ओरल या इंटरनल लूप से किसी मेडिसिन को अपने बॉडी में लेते हैं उस कंडीशन में ज्यादातर चांसेस ये होती है कि हमारी वह क्वांटिटी जो कि हमने लिया वो हमारे ब्लड में ना बल्कि उससे कुछ कम पहुंचे किसका बायो अवेलेबिलिटी आपको कॉन्फिडेंस पढ़ना पड़ेगा बायो अवेलेबिलिटी यही के काम करता है बायो अवेलेबिलिटी और ये बायो अवेलेबिलिटी जो भी आपने मेडिसिन लिया उस मेडिसिन का कितना परसेंट कितना अमाउंट आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में गया ये दोनों है बायो अवेलेबिलिटी या ब्लड तो जब भी हम खाने के रास्ते कोई दवा लेते हैं उस उन दवाओं की बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं होती है क्यों यहाँ से पूछना आता है क्यों नहीं यही से फिर कॉन्सेप्ट आपका आता है क्या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म फर्स्ट पास जब भी आप खाने के रास्ते किसी दवा को लेते हैं तो दवा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी वहां जो भी घटनाएं होती हैं उसमें क्या होता है भाई और भाई डाइजेशन में क्या है बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल को हमने तोड़ दिया छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल फिर उनका क्या होता है एब्जॉर्प्शन कहाँ पे लॉस होता है इंटेस्टाइन में लॉस होता है एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी मटेरियल एब्जॉर्ब हुआ है इंटेस्टाइन वो पूरा का पूरा डायरेक्ट ब्लड में नहीं भेजा जाता है उसे हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा कहाँ भेजते हैं लिवर उसे मेन ब्लड सर्कुलेशन इंटेस्टाइन से कोई भी चीज एब्जॉर्ब होकर के तुरंत मेन ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगा उसे कहाँ भेज दिया जाएगा उसे भेज दिया जाएगा टोटल सर्कुलेशन वहां से वो कहाँ हो जाएगी लिवर लिवर में क्या होगा लिवर में लिवर हमारा एक ऐसा मॉलिक्यूल है वहां पे सारी की सारी चीजों की टूट मेटाबॉलिज्म उनका प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग वो जो मटेरियल है उसको हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढाल दिया है यानी प्रोसेसिंग लिवर का प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग होने के दौरान हो सकता है कुछ अमाउंट डिग्रेड हो जाए कुछ अमाउंट टूट जाए जैसे आपने पैरासिटामॉल मान लिया 500 mg हमने खाना खाया दवा स्टमक में गई फिर इंटेस्टाइन में गई एब्जॉर्प्शन मालूम हुई एब्जॉर्प्शन मालूम लिवर में गई लिवर में जाने पे मतलब 5 mg में से 100 mg टूट गई 150 mg टूट गई लिवर में आपको ब्लड कितना जाएगा 300 mg बाकी 200 mg ब्लड में नहीं पहुंचेगा
यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारा टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे मेन ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पहुंचता। बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं जिनको बाईपास कर दिया फर्स्ट पास कर, मतलब अगर मान लिया आप पेरेंटल खराब हो गया तो पेरेंटल में क्या हो फर्स्ट पास कर नहीं जाएगी, तो वहां पर जा रही है फिलहाल इस तरह दूर क्या करने आपका उधर हो गया सबलिंगुअल हो गया और रेक्टल की सामने सकुलेट की फॉर्म में दवा को रेक्टल में आते हैं सब लिंगुअल तो मेडिसिन का हमने जीप जाकर लगा दिया और तो आपने कभी क्या कहते हो क्या सिर्फ जो भी खा इसका क्या है रेक्टल क्या है तो मैं आपको बता रहा हूँ हाई बी रिजेक्शन वेन बिगड़ा वेन बिगड़ा हाई बी बिगड़ा दूसरा क्या है हाई बी हो सकता है कि कोई नर्व आसपास भी डैमेज आपने ब्लड को जनरली जब हम एनिमल हैंडलिंग करते हैं फार्माकोलॉजी में, जब भी हम लैब में या कहीं भी एक्सपेरिमेंट में एनिमल का यूज करते हैं किसी ड्रग की एफिकेसी देखने के लिए क्या रिस्पॉन्स दे कैसा नहीं, तो वहां पे हम एनिमल को आईपी रूप से दवा दिया इंट्रा पेरिफेरल इंट्रा पेरिफेरल उसके पेरिकोनियम में तो दवा को डाला। इसके अलावा क्या है आपका इंट्रा मस्कुलर इंट्रा मसल क्या है या मेडिसिन को सीधा करके जैसे कहाँ डाले मसल्स मसल की लेकिन इंट्रा में आपके उसमें आपके जनरली इसको यहाँ पे देखते हैं जो जो यहाँ पे आपका डेड बाइट जो आपका यूज करते हैं डेड बाइट और एक फिक्स फिल्म कौन सी है ग्लूटियन ग्लूटियन एक्सेस यहाँ पे डेड बाइट देते हैं किसी एक्सेस को देते हैं कौन सा ही हाई इंट्रा बाइट कौन सा सब कुछ नहीं है और क्या है इनहेलर
जो भी मटे किस रूप से हम दवा को देंगे इसका सिलेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने मान लो पेशेंट है सीरियस कंडीशन में और फिर आपने ओरल दवा हो गया एक्शन आने पर आधे घंटे हो गए एक घंटे तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम दो चीजें एक तो कौन कौन से रूट है और ये भी ध्यान देते हैं कि जब भी ड्रग को दिया जाएगा तो उस पर कौन कौन से खाद बातों का ध्यान रखें। मैंने आपको बताया कि पेशेंट की कंडीशन देखेंगे कौन सा है यहाँ कौन सा है, दूसरा हमें देखेंगे कि उसकी एज क्या है, छोटा बच्चा है जैसे आप वहाँ पे सस्पेंशन डाल दिया या सॉल्यूशन डाल दिया। फिर आपको क्या फर्स्ट पास में डाल दिया, फर्स्ट पास मतलब क्या कोई भी ड्रग आपने दिया वो पहले लिवर में जाएगी, फिर लिवर में कुछ डिग्रेड होगा फिर पॉजिटिव होगी उसके बाद फिर मेन ब्लड सर्कुलेशन में डाला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह है कि हम कोई भी दवा देते हैं तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हमारे लिवर पे आता है, अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं इट लीड्स टू बैड टॉक्सिस लीवर को सीरियस है। फिर इन्हेलेशन, इन्हेलेशन मैंने आपको बताया कि जैसे आपने जो कि साल के रूप में या तमाम इन्हेलर को क्या करते हैं इन्हेल कर मेडिकेशन मार्केट जगह जब हम किसी मेडिसिन को देते हैं तो कितनी देर बाद वो अपना एक्शन देना शुरू कर देते हैं। इसमें जो आई रूट
इसके अलावा आपका रेक्टल व्यू, रेक्टल व्यू का होने में तो 5 से 30 मिनट एनिमा वगैरह करते हैं उसे खाली कर बॉबर भी बॉबर पास में हो जाएगा सब ये इनपुट के अलावा जो है ना हम करते हैं सब कुछ जो जो बातों को इस मंत्र से की इट मींस कि जब भी हम ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम जो मेडिसिन को दे रहे हैं उसका रिस्पांस कितनी देर बाद आना शुरू हो जाता है इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम आई की रूप से दवा को देते हैं तो 20 से 60 मिनट के भीतर रिस्पांस आना शुरू हो जाता है इनहेलेशन की बात अगर देखते हैं तो 2 से 3 मिनट रिस्पांस हो जाता है सब इनका लूप में 3 to 5 मिनट वेक्टर लूप में 5 to 30 मिनट और तक तो ये आपका जो पहला जो टॉपिक हमने रूट आप जैकेट में वो रिवियस मिस्टर और ये लेक्चर हमने आपको बनाया सिलेक्शन कैसे करेंगे इस रूट से जब आप ये सिलेक्शन कैसे करेंगे अबाउट वेरियस एफेक्टर